संसद में चीन पर रक्षा मंत्री का दो टूक बयान, बौखलाया चीन, कहा सर्दियों में फिर बढ़ सकता है तनाव। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आई खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को बताया उकसाने वाला। ग्लोबल टाइम्स ने लगाया आरोप, आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए सरहद पर तनाव बढ़ाने की दलील। भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने के आसार नहीं, चीनी सेना के कमांडर्स ने बढ़ाया अलर्ट। सैटेलाइट इमेज से खुलासा, 1887 के बाद पहली बार पेंगोंग घाटी में दिखी इतने सैनिकों की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर भी बढ़ी चीन की हलचल। भारतीय सेना हर हालात से निपटने को तैयार, उत्तरी किनारे के ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना ने बढ़ाई तैनाती। दोनों तरफ से चेतावनी के तौर पर फायरिंग के बाद अलर्ट, सूत्रों के मुताबिक 29 और 31 अगस्त को हुई थी फायरिंग। संसद से मोदी सरकार ने चीन को दिया था साफ संदेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलएसी पर मंजूर नहीं होगा कोई भी बदलाव। राजनाथ सिंह ने चीन से सीमा विवाद को बताया जटिल समस्या, बोले लेकिन शांति के लिए सहमत हैं दोनों देश। बिहार चुनाव पर सियासी हलचल तेज, एलजेपी बिहार एनडीए में रहेगा या नहीं इसका फैसला आज। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे फैसला, सांसदों के साथ 2 बजे बैठक। 7 सितंबर को हुई थी संसदीय बोर्ड की बैठक, 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर ऐलान, आज इस पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में आरएसएस के समर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगी सरकार दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी पर खफा, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 50 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले, 10,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मरीज। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दे सकती है जमानत याचिका, भाई शौविक भी लगा सकते हैं अर्जी। से पहले रिया और शौविक ने स्पेशल कोर्ट में दी थी जमानत अर्जी, लेकिन कोर्ट ने कर दिया था खारिज। ड्रग केस में 22 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, भाईखला जेल में है बंद। रिया की जमानत अर्जी पर वकील सतीश मानशिंते ने कहा किसी जल्दबाजी में नहीं है, पहले आदेश पढ़ूंगा फिर दूंगा याचिका। ड्रग केस में एनसीबी जया शाह और श्रुति मोदी को भेजा समन, दोनों से आज पूछताछ संभव। गृह मंत्रालय के मुताबिक एनसीबी मुंबई के एक जोनल यूनिट ने दर्ज किया केस, 10 लोगों की गिरफ्तारी, कुछ ड्रग्स सीज किया गया। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने विदेश में सुशांत के लिए उठी आवाज का वीडियो ट्वीट किया, विदेशों में हो रहे प्रदर्शन से अब तक 2 लाख लोगों के जुड़ने का किया दावा। दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए कंगना रनौत ने बीएमसी से मांगा 2 करोड़ का हर्जाना, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 22 सितंबर को सुनवाई। बॉलीवुड के बड़े नामों पर जारी है कंगना का वार, कहा सिर्फ करण जौहर और उनके पिता की नहीं हर कलाकार और मजदूर की है फिल्म इंडस्ट्री। कंगना रनौत पर उर्मिला मातोंडकर ने किया पलटवार, कहा कंगना ड्रग के खिलाफ अपने गृह राज्य से क्यों नहीं करती अभियान की शुरुआत, क्या उन्हें पता है कि हिमाचल ड्रग्स का गढ़ है। राज्यसभा में आज इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट पर चर्चा, श्रीपद नाइक पेश करेंगे बिल। कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयक लोकसभा में पारित होने का विपक्ष कर रहा है विरोध, हरियाणा पंजाब में उठी विरोध की आवाज। लोकसभा से पास विधेयकों को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आज आरोप पत्र दाखिल होने वाले राजनेताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, ऐसे नेताओं पर आजीवन सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की बात। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से जुड़ी दवाओं पर मूल्य नियंत्रण से जुड़ी जनहित याचिका पर भी सुनवाई। मुंबई के सायन अस्पताल पर लगा एक और गंभीर आरोप, एक मरीज की किडनी निकाले जाने के आरोप में बीजेपी ने किया प्रदर्शन।
पीड़ित परिजनों का आरोप, सिर पर चोट लगने के बाद एक शख्स को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद उसके कमर पर दिखे टांके के निशान, अब अस्पताल से शव भी गायब। पूर्णिया में दो दिन की बारिश के दौरान गिरी स्कूल की इमारत, कटाव रोकने का नहीं था कोई इंतजाम। नासिक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक, जहाज से उतारे गए प्याज भरे कंटेनर, किसानों ने किया प्रदर्शन, रोक हटाने की मांग। लखनऊ में फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोलकर 59 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आगरा में मेंटल हॉस्पिटल का राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने किया औचक निरीक्षण, सामने आई कई खामियां। अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने प्रबंधन पर खुद को बंधक बनाने का आरोप लगाया, कहा बंधक बनाने का वीडियो भी किया गया वायरल, पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत। मदुरई में ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन, प्राइवेट माइक्रो अकाउंटिंग कंपनी की किश्त मार्च 2021 तक बढ़ाने की मांग। एक समाज सेवी ने सऊदी अरब की सुमेशी जेल में 450 भारतीय बंदियों का किया दावा, सरकार से मदद की गुहार। राजकोट में गोल्ड बाजार रहेगा बंद, कर्मचारियों में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या के बाद लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच सूरत में एक बिल्डर की सराहनीय पहल, पैसे के अभाव में गांव लौटने वालों के लिए रहने के लिए मुफ्त में मुहैया कराया फ्लैट। बिल्डर ने 42 फ्लैट ऐसे मजबूर लोगों को रहने के लिए दिए जो पैसों के अभाव में घर लौट रहे थे, इनसे मेंटेनेंस के महज 1500 रुपए वसूल किए जाएंगे, नहीं लिया जाएगा किराया। बद्रीनाथ में अब गर्भगृह की बजाय सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को करना होगा भगवान बद्रीनाथ का दर्शन, श्रद्धालुओं में कोरोना पीड़ित मिलने के बाद गर्भगृह में एंट्री बंद। लामबगढ़ में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए 5 श्रद्धालु पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव, बद्रीनाथ मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, बढ़ाई गई चेकिंग।